अगले महीने की पहली तारीख को इस साल का बजट पेश कर दिया जाएगा। इस बजट से हर तबका अपने लिए कुछ खास चाहता है। ऐसे में सूरत के कपड़ा और हीरा व्यापारियों की भी वित्त मंत्री से कुछ खास उम्मीदें हैं। व्यापारियों की मांगों की फहरिस्त लंबी है और वो चाहते ये हैं कि इस बजट में उनकी सभी मांगों को मान लिया जाए। 1 फरवरी 2023 को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट से अपनी उम्मीदों का पिटारा सभी इंडस्ट्री, कारोबारी, टैक्स पेयर्स, आम जनता और सरकारी कर्मचारी भी अलग अलग माध्यमों से वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में गुजरात के सूरत के कपड़ा व्यापारी भी इन दिनों बड़ी उम्मीदों के साथ बजट का इंतजार कर रहे हैं। भारत के मानचित्र पर सूरत कपड़ा उद्योग ने जो विकास की राह दी है, उससे पूरे विश्व में कपड़ा बाजार को एक नया आयाम मिला है। सूरत का कपड़ा उद्योग एक ऐसा उद्योग है कि यहाँ पर भारत भर से रोजी रोटी कमाने लोग आते हैं। ऐसे में व्यापारियों की मांग है कि अगर केंद्र सरकार बजट में सूरत के कपड़ा उद्योग के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान कर दे तो ये उद्योग जरूर आगे बढ़ेगा और सरकार को अच्छे रेवेन्यू भी मिलेंगे। जो हमारा कपड़ा है जो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर नहीं पा रहा है, अगर गवर्नमेंट इसके हिसाब से 5 या 7% का कोई स्पेशल बेनिफिट इसमें डिक्लेयर कर ले तो आज मेक इन इंडिया की बात है, वो भी सक्सेस होगी। जीएसटी की अगर मैं बात करने जाऊँ तो जीएसटी में हम चाहते हैं कि जो भी एक नोटिफिकेशन आया था, फैब्रिक पे फिलहाल अभी 5% जीएसटी है, लेकिन नवंबर 2021 में जो एक नोटिफिकेशन आया उसमें 12% जीएसटी कर दी। वो नोटिफिकेशन अधिसूचना भी रद्द नहीं हुई है। हम सरकार से मांग करें उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उसको रद्द करें और ये 5% ही रहने दें, ताकि ये उद्योग है एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला उद्योग है। आजकल जो सूरत टेक्सटाइल हब जो बनने जा रहा है, तो उसके सामने टेक्सटाइल के अंदर जो वर्कर लोग हैं उसकी स्किल जबरदस्त डेवलप करना चाहिए, ताकि वो लोग जब बाहर गांव चले जाते हैं 2-2 महीना नहीं आते, अगर उसके ऊपर एकदम बराबर जो उसकी स्किल डेवलप होगा तो उसको पगार भी अच्छा मिलेगा और वो भी डेवलप होगा। वही सूरत के ही हीरा कारोबारियों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। कारोबारियों ने हीरे के कच्चे माल पर आयात शुल्क खत्म करने के साथ ही एक नई नीति के ऐलान की मांग की है। मेरी सरकार के ये गुजारिश है कि अगर डायमंड इंडस्ट्री के बारे में कुछ सोचा जाए और उसके वर्कर के बारे में कुछ सोचा जाए और उसके बजट में शामिल किया जाए, उसके बारे में कुछ योजनाएं, नई नए ट्रेनिंग स्कूल जो बनवाए जाए, तो डायमंड इंडस्ट्री में ज्यादा फायदा होने वाला है। और अगर ये डायमंड इंडस्ट्री में डायमंड वर्कर आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो आत्महत्या करते हैं, तो गुजरात सरकार और केंद्र सरकार उसको मदद भी नहीं करते। तो सरकार से यही विनती है कि डायमंड वर्कर के बारे में सोचा जाए। हमारी सबसे बड़ी जो मांग है वो एयरपोर्ट पे है, तो जो ये डुमस पोर्ट है, नवसारी है, वो जो पूरा समंदर एरिया है, वहां पे इंटरनेशनल कक्षा का एयरपोर्ट अगर केंद्र सरकार इस बार बजट में दे, तो हम लोग जो अभी 1.5 लाख करोड़ का 1.8 लाख करोड़ का जो अभी हम लोग का टर्नओवर एक्सपोर्ट है, वो हम लोग का टारगेट है 3 लाख करोड़ कैसे पहुंचे। अगर ये एयरपोर्ट सूरत में आ जाता है तो शॉर्ट टाइम में 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो डायमंड इंडस्ट्री से सबसे बड़ी जो मांग है वो सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना चाहिए। बजट से उम्मीदें तो सभी को है, लेकिन बजट के पिटारे से किसके लिए क्या निकलेगा ये तो 1 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। तब तक वित्त मंत्री से मांगों का सिलसिला जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।